तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 जून 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो आपको दोस्तों एक बड़ी अपडेट पहले बताते हैं कि 22 जून को शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन है लखनऊ में, ठीक है, इस अपडेट को जरा आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 2019 बैच और फेल छात्रों को क्या मिलेगा नई भर्ती में मौका। तो दोस्तों चलिए कुछ और अपडेट पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन है, क्या प्रमोट नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, कल एक और अपडेट आती है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से। जी हाँ दोस्तों, जो इनकी अधिसूचना जारी हुई है तो बच्चे इसको देखकर कंफ्यूजन में आ गए। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है कि जैसे यहाँ पर बी ए बी एस सी व बी कॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की मतलब परीक्षाओं को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया कि सेकंड का भी पेपर होगा सेमेस्टर का, या सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ठीक है, फाइनल ईयर का। तो गाइस लेकिन आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर की डेट शीट जारी नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड ईयर थर्ड की है ना, क्योंकि देखिए फर्स्ट में बच्चों को प्रमोट किया गया, सेकेंड का पेपर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि देखिए लगातार 2 साल तो प्रमोट हो नहीं सकते कि बच्चे फर्स्ट में प्रमोट हो गए तो सेकेंड ईयर में भी लगातार प्रमोट करें, ठीक है गाइस। तो इसको लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अभी भी दोस्तों डीएलएड छात्रों की प्रमोट होने की उम्मीद पूरी तरीके से जगी हुई है, ठीक है, और प्रमोट होना दोस्तों काफी हद तक कंफर्म है कि डीएलएड छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यही होगा कि फेल छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या फेल छात्र भी चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं? देखिए गाइस, अगर आप 2019 बैच के छात्र हैं या किसी भी सेमेस्टर के बैक पेपर के प्रशिक्षु हैं, 2018 बैच हो सकता है, 2017 बैच, देखिए पहले बात फेल बच्चों को एक बात समझ लेनी है। जब दोस्तों 2018 बैच का नियम बना था वहां पर यही बात लिखी गई थी कि जिन बच्चों की बैक होगी उनको अगले सेमेस्टर में ये प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 2019 बैच में भी इस नियम को लागू किया जा सकता है। तो अगर आपकी बैक है तो पहले आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। बाकी बीच में एक और अपडेट आई थी कि जो बच्चे औसत अंक के आधार पर पास नहीं होंगे उन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ उम्मीद लगाई जा रही थी कि आप थर्ड में भी प्रमोट होंगे, लेकिन फिर दोस्तों अपडेट आ जाती कि अरे ये तो फर्स्ट का भी पेपर देना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों नई भर्ती को लेकर एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। प्राथमिक शिक्षकों के 51,112 रिक्त पदों पर भर्ती करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, क्या मामला है इसको देखेंगे, लेकिन दोस्तों इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि यार पेपर हो सकता है उसको दूर करिएगा, ठीक है। वहां पर दोस्तों बच्चे प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं जहां पर लगातार मतलब 2 साल प्रमोट करने की बात है, लेकिन जहां पर लास्ट सेमेस्टर में पेपर हुआ वहां पर सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के छात्रों को भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यार पेपर तो नहीं हो जाएगा, प्रमोट हो गया क्या होगा। तो चलिए दोस्त इस अपडेट को पहले देख लेते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि सभी बच्चे, जी हाँ दोस्तों, 2019 का पूरा बैच हो चाहे 2018 बैच के छात्रों, सभी बच्चों को बस एक ही चीज़ है कि हमें कैसे ना कैसे नई भर्ती में मौका मिले। अगर पीएनपी की ऐसी लेट लतीफी रही तो गाइस आप मौके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नई भर्ती को लेकर दोस्तों धरना प्रदर्शन काफी तेज है, क्योंकि अब नई शिक्षक भर्ती में लाखों छात्र सम्मिलित होंगे। आप लोग अफवाह से सावधान रहिएगा, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो दोस्तों कि आपकी परीक्षा की तैयारी में कुछ गड़बड़ हो जाए, और देखिए अगर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं होगी तब भी आपके लिए दिक्कत है। सवाल ये होगा दोस्तों कि डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट कब जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी आपका पिछला रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों आप 2018 बैच और 2015 बैच तक के छात्रों का स्कूटनी का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि 14 जून से शुरू हुआ है, 15 जुलाई तक चलेगा। बताइए 1 महीने का समय दोस्त ये सिर्फ आवेदन में बर्बाद करते हैं। अगर ये चाहते दोस्तों मुश्किल से 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते में आवेदन लिया जा सकता था, लेकिन जब इतने लंबे समय तक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा तब कैसे काम चलेगा। ये कॉलेज की बड़ी लापरवाही होती है, कॉलेज वाले भी गलती करते हैं, उनको भी दोस्तों चाहिए कि भैया पीएनपी तक कुछ ना कुछ बातें पहुँचाई जाएँ। छात्र इतने ज़्यादा परेशान हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों इस अपडेट को देखते हैं। अपडेट है बस्ती जिले से। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने राज्य सरकार से प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक व मुख्य प्रवक्ता विक्रांत प्रताप सिंह ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से 67,867 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ऐसे में सरकार को दोस्त 51,112 रिक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। प्रदेश में करीब 210 लाख प्रशिक्षु डीएलएड बीटीसी शिक्षा मित्र बीएड बेरोजगार हैं।
प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश यादव ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी ना, वो शिक्षा मित्रों का एक समायोजन था। एक बात आप जरा समझ लीजिए, अगर आपके मन में एक सवाल हो गया यार कि इससे पहले बड़ी बड़ी वैकेंसी आई थी 69,000 भर्ती, ठीक है, उसके बाद दोस्त एक और भर्ती आई थी उससे पहले मतलब 68,500, तो गाइस आपको बता दें जब अखिलेश सरकार में, जी हाँ दोस्तों, 1,37,000 शिक्षा मित्र थे। इस बात को जरा समझिए, ठीक है, तो इनका मतलब जो समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ था, निरस्त हुआ था, उसके बाद उसी वैकेंसी को दोस्तों दो पदों में 68,500 और 69,000 पदों के हिसाब से इस वैकेंसी को लाया गया था। लेकिन ये कोई नई भर्ती नहीं थी, एक होता ना नई वैकेंसी जो सरकार लाए। अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया आज आप नौकरी कर रहे हैं, आपको ही निकाल के दोबारा उसी पदों पर वैकेंसी आ जाए, उसको कोई नया पद तो कहेंगे नहीं। तो ये दोस्तों पूरा मैटर था, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, और जो 69,000 वैकेंसी भी आई थी ये भी दोस्तों 2018 में आई थी। तो सोचिए दोस्तों, 2019 का पूरा साल बर्बाद हो गया बच्चों का, 2020 का साल निकल गया, 2021 चल रहा है, और बताइए अभी तक दो दो तीन तीन साल बीतने को आ गए, जबकि एक नियम है कि हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। तो ये बड़ी लापरवाही हो रही है, इसीलिए दोस्तों हो रहा है कि 2019 बैच को अगर मौका नहीं मिला तो अगले दोस्तों दो तीन साल तक आप खाली इंतजार ही करते रहेंगे कि नई भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। और जो ये नई वैकेंसी आएगी दोस्तों, उसको भी कंप्लीट होने में, एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि 2-3 साल लगने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि गाइस 6 महीने में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप अगर आपने देखा होगा 1894 पदों पर जो शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें एक बात कही गई थी कि यूपी टेट परीक्षा से पहले इस वैकेंसी को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। न तो दोस्तों आज यूपी टेट परीक्षा का कोई इधर अता पता है, न तो दोस्तों 1894 जूनियर शिक्षक भर्ती का कोई अता पता है। तो सारी वैकेंसी दोस्तों ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, बच्चे परेशान रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी भी नहीं जगेंगे कि यार हमारी परीक्षा और दोस्त नहीं भरती, तो फिर आपको 2-3 साल तक इंतजार ही करना पड़ेगा। तो गाइस समय कम है, लगे रहिए आप लोग, ठीक है, सोशल मीडिया पर अभियान चलना चाहिए। बाकी 22 तारीख को अगर शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की जीत होती है तो डीएलएड 2019 बैच और जितने बच्चों की बैच है, चाहे आप 18 बैच के हों चाहे 17 बैच के हों, अगर भर्ती का विज्ञापन एक बार जारी हो गया, अगर आपकी बैक पेपर क्लियर नहीं होता, और देखिए अभी बैक पेपर की भी कोई डेट शीट नहीं आई, और जिस हिसाब से दोस्त जुलाई माह में परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं सभी यूनिवर्सिटी से, देखिए जरा इस अपडेट को, ठीक है। इन्होंने क्या दोस्तों बोला, परीक्षाएं दोस्तों दिनांक 14 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर 10 अगस्त 2021 के मध्य संपन्न होंगी। मतलब सभी का दोस्तों जो शेड्यूल हो रहा है पेपर का, वो जुलाई में शुरू कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों पीएनपी की तरफ से अभी तक परीक्षा की कोई भी डेट शीट जारी नहीं की गई, ठीक है। तो यहाँ पर पीएनपी को भी एक डेट शीट जारी कर देना चाहिए था, अगर ये प्रमोट नहीं करना चाहते तो उसको भी क्लियर करें, ताकि बच्चों का जो समय है वो बर्बाद ना हो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस समय टाइम की कमी है इस समय सभी छात्रों के पास, क्योंकि अगर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया तो दोस्तों डीएलएड छात्रों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। देखिए याद रखिएगा, फिर से हम आपको बता दें, जब दोस्तों नए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन होगा, आवेदन कंप्लीट होने से पहले आप लोग का डीएलएड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर सारा रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका यूपी टेट या सी टेट जो भी आपने परीक्षा दे रखी है उसका भी दोस्तों रिजल्ट क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए आपका यूपी टेट का पेपर भाई रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि यूपी टेट का पेपर पीएनपी ही कराती है, और उसके बाद दोस्तों सुपर टेट का भी पेपर का आयोजन पीएनपी ही कराती है, तो ये अपना समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो सीटेट परीक्षा होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता, सीटेट पास छात्रों को मौका जरूर मिलता है, ठीक है, शिक्षक भर्ती में। लेकिन गाइस सीटेट का पेपर का रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। 2018 में दोस्तों जब पेपर हुआ था उसके बाद आपको बता दें काफी बच्चों ने सीटेट की परीक्षा क्लियर किया, लेकिन उन बच्चों को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट उस समय दोस्तों देरी से जारी किया गया था, ठीक है। तो इस बात का जरा आप ध्यान में रखेंगे, सीटेट का भी दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला है, बाकी यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस और जो भी अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। 22 जून एक बड़ी तारीख हो सकती है अगर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जल्दी आ गया तो। देखिए जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन 2019 बैच और फेल छात्रों को एक बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि आप लोग भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो गाइस आपको भी लगातार दबाव बनाते रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले, और हर साल नई वैकेंसी नहीं आएगी, फिर से हम आपको बता रहे हैं। इस साल दोस्तों आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर वही होगा 2022 में चुनाव रहेगा,
तो चुनावी दोस्त उधर देखा जाएगा। और देखिए समय काफी तेजी से निकल रहा है। अब दोस्तों देखिए 1.5 छात्रों के एक ही दबाव बनाना चाहिए। या तो भैया ये पेपर ही करा लें या तो प्रमोट कर दें, नहीं तो अगर ऐसे दोस्तों कंफ्यूजन रहा ना तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर अगर मान लेते हैं जुलाई में भी हो गया तो गाइस अगर बच्चे दबाव बनाएंगे तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ का पेपर अगस्त लास्ट तक ये करा के छुट्टी करें। अगर दोस्तों ना थर्ड का ये पेपर कराने बाद में पता चले दोस्तों कि ये थर्ड का भी पेपर कराए फोर्थ का भी कराए तब तो ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और वैसे भी दोस्तों देखिए आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी 6 अगस्त 2021 को। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी हर बार आपको मतलब कह देती है कि नहीं नहीं अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई है। आपको दोस्तों बताते हैं बहुत से ऐसे कॉलेज है डीएलएड में, देखिए भले आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही हो लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लगातार फोर्थ सेमेस्टर की दे रहे हैं और उनका दोस्तों जो क्लासेस है वो अगस्त, जी हाँ दोस्तों 6 अगस्त 2021 तक कम्प्लीट भी हो जाएगा उनका सिलेबस कोर्स वोर्स। ठीक है, बचेगी सिर्फ आपकी इंटर्नशिप, 1 महीने वाली इंटर्नशिप। तो दोस्तों देखिए 1 जुलाई से स्कूल खुलने के पूरे आसार हैं, टीचर को स्कूल में बुलाया जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों ऑनलाइन जीपीएफ के माध्यम से अपनी टीचिंग पूरी कर पाएंगे लेकिन 1 जुलाई से दोस्तों आपकी टीचिंग लग जाएगी तो बेहतर रहेगा फोर्थ सेमेस्टर वाली। नहीं तो पीएनपी की लेट लतीफ़ी आप देख रहे हैं, इनको दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको नई भर्ती में मौका मिले या ना मिले। ठीक है, बाकी फ़र्क आपको ही पड़ेगा क्योंकि आपको होगा कि यार हमें जल्दी नौकरी मिले, नहीं तो कब तक आप बेरोजगार बने रहेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर भी दोस्तों उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो अनुमान है कोरोना की तीसरी लहर का, अब बताइए फिर से एक बार दोस्तों हमारा यूपी या देश पूरा लॉकडाउन में जा सकता है। अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर उस समय पेपर नहीं हो पाएगा, फिर से समस्याएं खड़ी होंगी। दूसरे लॉकडाउन में दोस्तों इस बार जो आपका कोरोना मतलब आया था सेकेंड राउंड, आपने देखा कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो गाइस ये काफ़ी खतरनाक है, देखते हैं और क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। लेकिन एक बात और दोस्तों, इस वीडियो में अभी कोरोना की केसेस रह गए हैं उसको पहले हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 24 घंटे में हमारे देश में 60,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए और 1,269 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केसेस 60,000 से ज़्यादा मतलब कम होने के नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। बाकी दोस्तों अब हम नंबर वन केसेस में तो नहीं है, एक अच्छी बात ही है। ठीक है, तो अभी भी दोस्तों कोरोना की लहर चल रही है तो फिलहाल आपको सावधानी बरतनी है, लापरवाही समय आप मत करिएगा। ठीक है, होता क्या है जब केसेस कम होते हैं तो बच्चे लापरवाही कर जाते हैं। तो ठीक है, ये कोरोना की हालात है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड आप लोग। ठीक है, आप लोग पहले अपनी बैक परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। अगर आपके सेकंड में बैक है, थर्ड में बैक है, वो पेपर दोस्तों आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। और आपको बता दें जिसमें भी आपकी बैक लगी होगी उसमें आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। याद रखिए बैक पेपर छात्रों को, बैक वाले छात्रों को मतलब कभी प्रमोट नहीं किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। बाकी जो आपका रिजल्ट है स्कूटनी का वो जुलाई से पहले जारी नहीं हो पाएगा, तो जुलाई में ही आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन दोस्तों जरूर है लेकिन अभी भी प्रमोट होने के पूरे आसार हैं। लेकिन हमें भी दोस्तों पीएनपी पर दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना कि समय की बर्बादी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, या तो ये प्रमोट कर दे या तो पेपर करा लें। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।